दोस्तों, पिछले हफ्ते निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर पांचों के पांचों कैंडल्स ग्रीन में बंद होती हुई नजर आई। बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला ऑटो स्टॉक में, पीएसई स्टॉक में, बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिली। दोस्तों, अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, कौन से सेक्टर्स रहेंगे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये डिस्कस करेंगे हम आज। मैं आशीष केलकर आपका kiranjadhav.com पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो वीकली वीडियो है, ये हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देते रहे, और इस वीकली वीडियो में भी मैं वही करने वाला हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने वीकली वीडियो में बताया था कि हमारा जो डेल्टा डैश ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अभूतपूर्व सा प्रतिसाद हमें देखने को मिला। और अगर मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि हमारा ये जो ट्रेनिंग है, एम्पावर्ड ट्रेडिंग विद डेल्टा डैश, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप हमारा स्केड्यूल देख पाएंगे, तो हमारे आगे के तीनों वर्कशॉप फुल हो चुके हैं। अगर आपने मिस किया है तो अभी भी वक्त नहीं आप गवाना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो 7th of October और 14th of October बैचेस में कुछ सीट्स बाकी है, वहाँ पे जाके आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटली फ्री है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको ये बताएगी कि फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए या ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, अगर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस फ्री वर्कशॉप में, जो 4.5-5 घंटे का वर्कशॉप है, उसमें टोटली फ्री में हम आपको सिखाने के लिए आ गए हैं। वापस एक बार इस तरह के रिस्पॉन्स के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, अभी इस हफ्ते के अगले हफ्ते के वीकली में हम वीक में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जानते हैं, और शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि निफ्टी पिछले हफ्ते के डेली चार्ट के ऊपर पांचों के पांचों कैंडल ग्रीन में बंद होती हुई नजर आई। जरा एक्सपांड करके दिखाता हूं दोस्तों, हर एक कैंडल आप देखेंगे तो नीचे हर दिन के लो जो बने थे वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई हमने देखी है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा खासा डिमांड जनरेट हो रहा है। लेकिन लास्ट कैंडल की तरफ देखो दोस्तों, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन का मतलब होता है कि थोड़ा बुलिशनेस से हम झुक रहे हैं इनडिसाइसिवनेस की तरफ। इनडिसाइसिवनेस क्यों है दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, और जो रेजिस्टेंस मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 19,900 के ऊपर। फ्राइडे का क्लोज है 19,820 के आसपास, तो यहाँ से करीब करीब 80 पॉइंट और ऊपर की तरफ मुंह आ सकती है। लेकिन अगर 19,900 तोड़ेंगे तो 20,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, करेक्ट। सो मैं ये मानता हूँ कि ये जो बुलिश मोमेंटम है, हो सकता है कि और एक दिन का थोड़ा सा, एक दो दिन का कंसोलिडेशन के बाद वापस हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, जहाँ पे हम वापस 20,000 के लेवल को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक छोटा सा हर्डल जो है 19,900 पे है, उसको क्रॉस करते ही 20,000 टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनो, 20,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो ये जो रैली है बेहतरीन एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो मार्केट आउटलुक डेली, जो किरण सर रोज सुबह 5:30 to 6 से बीच में अपडेट करते हैं, आपको वो रोज पढ़ना है। हमारे वेबसाइट पे उसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे जाइए, मार्केट आउटलुक डेली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप, बहुत सारे लोग देखते ही है, लेकिन अगर आप देखते हो तो हमारा ये जो होम पेज है वहाँ पे ये देखिए, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली, यहाँ पे जाके आप MOD के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके बाद रोज सुबह 5:30 के बाद जब आपको टाइम मिले तो किरण सर का व्यू क्या है, ऐसे कौन से लेवल है उस पर्टिकुलर दिन के लिए, यहाँ पे आपको देखना है और उसके हिसाब से हम अपना पोजिशन डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में। दोस्तों वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। जैसा मैंने कहा कि ऊपर की तरफ 19,900, तो नीचे की तरफ क्या होना चाहिए। दोस्तों पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैंने आपको एक लेवल दी थी 19,650, इसके ऊपर निकलेंगे तो अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, ऐसा मैंने कहा था। और उसी तरह से पिछले हफ्ते में फ्राइडे को 19,650 को तोड़ के मार्केट बहुत ही बेहतरीन ऊपर की तरफ निकला था। सो ये जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी एक्ट करेगा सपोर्ट जैसा। मैं यहाँ पे अगर टेक्निकली बात करूँ तो 19,600 ये मेरे लिए बहुत अहम लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। इस लेवल के ऊपर जब तक है तब तक बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, हम 20,000 को भी टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो ये लेवल जो है नीचे की तरफ, उसकी तरफ आपका ध्यान देना होना चाहिए। 19,600 के नीचे हमें निफ्टी को फिसलते हुए नहीं देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है।
अभी बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की। दोस्तों ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा, 14 सितंबर की एक्सपायरी का डेटा है ये। अगर मैं पहले कॉल साइड देखता हूं, देखिए कॉल साइड में मैं देखता हूं तो 19,900 पे करीब करीब 1,00,001,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखता हूं तो दोस्तों वो है 20,000 पे। बट नेचुरली थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है तो वहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग होती हुई नज़र आ रही है, और अगर मैं देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी 20,000 के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा हर्डल, जैसे मैंने कहा 19,900 के ऊपर निकलते हैं तो डेफिनेटली हम 20,000 को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे आपको रिव्यू लेना चाहिए, मार्केट आउटलुक डेली पढ़ना चाहिए। अभी मैं अगर बात करता हूँ पुट साइड, ये तो हो गया कॉल साइड, जरा पुट साइड की तरफ आएंगे। अगर मैं पुट साइड देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो बनता हुआ नजर आ रहा है 19,600, 1,28,000 का ओपन इंटरेस्ट है यहां पे, जो कि हाईएस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। यानी यस, टेक्निकली और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों लेवल्स मैच होते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों इस लेवल की तरफ हमारा ध्यान होना बहुत बहुत जरूरी है। सो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बेहतरीन है। पिछले हफ्ते में भी हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ एक उछाल देते हुए हम बैंक निफ्टी में नजर आए। अभी अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में मैं ये चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर रहे। अगर हम 45,000 के ऊपर रहते हैं तो वापस एक बार हम यहाँ से भी 350 से 500 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो है वो सीधा 45,500, यहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट की ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनता हुआ चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो सपोर्ट रहेगा 45,000 का, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 45,500 का। ये 500 पॉइंट का रेंज अगले हफ्ते के लिए है, ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे। 45,500 के ऊपर एक बहुत ही अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो अगर लॉन्ग पोजीशंस किसी को लेनी है तो इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वो लेवल टूटना नहीं, आप अगर 12:45 का हमारा लाइव जो ऋत्विक किरण जाधव यूट्यूब लाइव पे आपको गाइड करते हैं वहाँ पे देखेंगे तो वो डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करते हैं, तो आपको वो डेरिवेटिव डेटा एक बार चेक करना चाहिए और उसके बाद वहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। सो 45,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे की तरफ 45,000 ये लेवल की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो 13 सितंबर को एक्सपायरी रहेगा, और कॉल साइड अगर हम देखेंगे पहले देखो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है नजदीक वाला वो 45,500 पे, करीब करीब 1,84,000 ऑप्शंस ओपन है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ। अगर मैं ऑप्शन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ, देखो हाईएस्ट तो मुझे दिखाई दे रहा है 46,000 पे जो बहुत दूर है, उसमें भी एडिशन कितना हुआ है देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो उसमें भी एडिशन सिर्फ 53,000 का हुआ है। लेकिन अगर मैं इसमें देखता हूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन 69,000 का हुआ है 45,500 पे, यानी यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा जो सेलर्स हैं उनको दिखाई दे रहा है। अभी बात करते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,000 पे, यानी इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, ऐसा ऑप्शन सेलर्स को लग रहा है। और एडिशन भी देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो, करीब करीब 1,12,000 ये एडिशन हुए हैं कॉल में, सॉरी पुट में। तो यस, 45,000 इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये दोनों मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अभी बात करते फिन निफ्टी।
फिन निफ्टी का भी कुछ सेम चार्ट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का। यहाँ पे लेवल्स मैं आपको मेंशन करा देता हूँ। फिन निफ्टी में 19,950 अहम लेवल रहेगा नीचे की तरफ, वो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा 19,950। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो फिन निफ्टी में 20,300 ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलते हैं तो एक 250 से 300 पॉइंट का रैली फिन निफ्टी में भी आता हुआ हम देख पाएंगे, तो आपका अलर्ट होना चाहिए 20,300 के लेवल के पास। दोस्तों अभी बात करते हैं सेक्टर्स। पिछले हफ्ते में मैंने चार सेक्टर्स बताए थे, सीपीएससी इंडेक्स बताया था मैंने, ऑटो स्टॉक्स बोले थे, मेटल स्टॉक और पीएसई स्टॉक्स। चारों के चारों सेक्टर में बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिला। अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूं कि जो दो सेक्टर से मेरे रडार पर, उसमें से पहला जो है वो है ऑटो सेक्टर, वो कंटिन्यू करेगा। निफ्टी ऑटो इसमें जो रैली है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, अच्छे खासे ब्रेकआउट्स ऑटो स्टॉक में देखने को मिलेंगे, तो ऑटो स्टॉक की तरफ ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरा जो सेक्टर है वहां पे मैं एक लेवल देने वाला हूं, और वो सेक्टर है निफ्टी पीएसयू बैंकिंग। अगर प्राइवेट बैंकिंग की तरफ देखेंगे तो उसका और बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये पीएसयू सेक्टर का जो इंडेक्स है पीएसयू बैंक का, उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छे खासे रैली के बाद एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस कंसोलिडेशन के ऊपर जा रहे हैं, वापस थोड़ा नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं वापस थोड़ा नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग टग ऑफ वॉर चल रहा है बुल्स और बेयर के बीच में। तो यहाँ पे ये इंडेक्स 4750 4750 के ऊपर निकलता है तो सारे पीएसयू स्टॉक बैंकिंग स्टॉक में एक बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल ध्यान में रखिए, ये आपके स्क्रीन पे होना चाहिए, इसके ऊपर अलर्ट लगा के रखो। और अगर ये स्टॉक के ऊपर इस लेवल के ऊपर ये इंडेक्स निकलता है तो पीएसयू स्टॉक में अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये दो ही सेक्टर्स के ऊपर मैंने बात किया क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा कन्विक्शन इन दो सेक्टर पे था, बाकी के सारे सेक्टर्स में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिला, लेकिन ऐसा प्रोमिनेंट लेवल ब्रेक करके ऊपर निकलेगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी एनकैश करनी चाहिए, ये देखने को मतलब ऐसे कोई लेवल निकल के नहीं आ रही है। इन दोनों लेवल्स दोनों सेक्टर में कन्विक्शन ज़्यादा है। दोस्तों अभी बात करते हैं कमोडिटी। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड के ऊपर। दोस्तों गोल्ड का चार्ट है मैंने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ करके रखी है, और मेरे लिए भी हमेशा क्या होता है ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है। अगर ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू मैं देखता हूँ तो करीब करीब 58,700 है। सो 58,700 ये नीचे की तरफ इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा जब तक हम इसके ऊपर हैं, बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। लेकिन अगर एंट्री लेनी है तो या तो हम सपोर्ट के नज़दीक आते वक्त लेंगे क्योंकि वहाँ पे रिस्क हमारा बहुत कम रहेगा, तो 58,700 के आसपास गोल्ड में खरीदारी करके चलना चाहिए। 100 पॉइंट का एक बफर हम रखेंगे 58,700-58,600 ये बाइंग बैंड होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो 59,700 इसके ऊपर जब हम निकलेंगे तो एक अच्छा खासा स्विंग टॉप ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो उसके बाद एक मोमेंटम और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा गोल्ड में। बात करेंगे सिल्वर की। दोस्तों सिल्वर के चार्ट में पिछले हफ्ते में मैंने जो दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी वैसे की वैसे रखी है। मैं मानता हूं ये जो करेक्शन है वापस एक बार जो अप ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। 70,800 ये 200 पॉइंट्स का बैंड है जहाँ पे खरीदारी होती हुई हम देख पाएंगे, तो अगर किसी को खरीदना है तो वहाँ पे खरीदने की चेष्टा की जा सकती है। स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक का रहेगा, उस केस में 70,300 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर की तरफ 74,200 के लक्ष्य वापस एक बार गोल्ड में आते हुए हम देख पाएंगे। क्रूड, क्रूड में दोस्तों एक हर्डल मुझे दिखाई दे रहा है, वो जो हर्डल की लेवल है वो है 7350 के ऊपर। देखो कैसा है कि एक अच्छे खासा रैली, एक हर एक
ऑब्जर्वेशन है, एक रैली के बाद या तो प्राइस करेक्शन आता है या टाइम करेक्शन आता है, एक रैली के बाद या तो टाइम करेक्शन आता है या प्राइस करेक्शन आता है। एक अच्छा खासा रैली हो चुका है, एक इंडिकेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे कि एक साइडवेज जाने की संभावना है। हर्डल है 7350 के ऊपर निकलेंगे तो ये रैली कंटिन्यू होने की पूरी पूरी संभावना है, या फिर नीचे की तरफ मैं मानता हूँ एक बार 70,500 के लेवल्स वापस 7,500 के लेवल्स क्रूड में आते हुए हम देख पाएंगे। और बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है कि थोड़ा नेचुरल गैस पे भी आप थोड़ा बात किया करो, इसलिए मैं नेचुरल गैस के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों नेचुरल गैस का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो देखो एक बहुत बड़े फॉल के बाद पिछले कई महीनों से एक बड़ा कंसोलिडेशन नेचुरल गैस में होता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट की तरफ मैं देखूं, रिसेंट फॉर्मेशन की तरफ देखूं तो 200 and 240 एक ऐसा बड़ा रेंज 40 रुपए का रेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूं कि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म भी अगर लेना है तो 225 के ऊपर जब निकलेगा तो 225 से लेके 240 तक का रैली नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ डीप डाउन है, 200 का ही लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ से करीब करीब 15 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पे कोई फिक्स ट्रेड इनिशिएट शॉर्ट साइड में करने की कोई संभावना नहीं है। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो आप अपने आपके पास जो नॉलेज है उसका यूज़ करके, लेकिन हम जो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं 225 के ऊपर निकलेगा तो एक 15 से 20 पॉइंट का रैली इस पर्टिकुलर कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसेस। डाउ का चार्ट अगर मैं आपको दिखाता हूं तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन के पास आके रुका है। अभी लास्ट कैंडल अपडेट नहीं हुई है, लेट होती है, इसलिए मैं एक कैंडल का लेटेस्ट कैंडल का क्लोज मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं। 34,576 ये लेटेस्ट क्लोज है, यानी जो अभी लास्ट कैंडल दिखाई दे रही है वहां से 76 पॉइंट ऊपर डाउ क्लोज होते हुए हमने देखा है। मैं मानता हूं कि यहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके बाउंस लेने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है। 35,100 के लक्ष्य मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम डाउ को आते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि वापस एक बार ब्रेकडाउन होके टेस्ट हो जाएगा वो ट्रेंड लाइन लेवल, और उसके बाद वापस अगला डायरेक्शन तय होने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल बुलिश मोमेंटम है, 35,100 के लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। नैसडैक, अगर मैं नैसडैक की बात करता हूँ तो नैसडैक में भी कोई प्रॉपर ट्रेंड लाइन बनती हुई नहीं नजर आ रही है। दो तीन लेवल्स है लेकिन उसमें से जो अहम लेवल है वो है 13,500 का, जो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जैसा काम करता हुआ नजर आ सकता है। जब तक हम 13,500 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है नैसडैक में। और S&P 500 की अगर मैं बात करूँ, S&P 500 का भी चार्ट स्ट्रक्चर सेम नैसडैक के जैसा ही है। अहम लेवल की अगर मुझे बात करनी है तो मैं मानता हूँ जब तक हम 4425 के ऊपर हैं, 4,425, तब तक बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। ऊपर की तरफ वापस एक बार 4,525 ये लेवल्स चार्ट के ऊपर आते हुए नजर आ सकते हैं। नाउ करेंसी, दोस्तों याद है पिछले हफ्ते में मैंने आपको बहुत ही अहम लेवल दिया था, और उस लेवल क्या लेवल दिया था मैंने, मेरे ख्याल से 82.85 ये लेवल मैंने दिया था। उसके ऊपर निकलेंगे तो वीकनेस बढ़ेगा ऐसे मैंने कहा था, और हमने वो वीकनेस बढ़ते हुए देखा। दोस्तों अभी इस हफ्ते में क्या हो सकता है, अगर मैं ये देखिए चार्ट्स, 82.85 से लेके हमने ऊपर 83.24 तक रुपी में वीकनेस आता हुआ देखा। अभी यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, एक छोटा करेक्शन वापस नीचे आ सकता है, यानी स्ट्रेंथ रुपए में आ सकती है। और मैं मानता हूँ कि अभी का लेटेस्ट जो क्लोज है वो 82.94 है, वापस एक बार 82.80 से लेके 82.70 तक नीचे ये इसमें एक फॉल देखने को मिल सकता है, यानी रुपये में स्ट्रेंथ आती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम वापस 83.25 को तोड़ते हैं तो फिर हमारे लिए ये थोड़ा वरी करने जैसा बात होगा, क्योंकि रुपए में वीकनेस अगर हम बढ़ते हुए देखेंगे तो बहुत उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में आता हुआ दिख सकता है।
83.25 ये अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलेंगे तो वीकनेस और बढ़ता हुआ नजर आएगा। नाउ पुट कॉल रेशो PCR। दोस्तों ये जो शीट है ये हम रोज मेंटेन करते हैं। 8 सितंबर का PCR है 1.359। मेरे ख्याल से 3 या 4 वीकली वीडियो में पीछे वाले थर्ड या फोर्थ लास्ट वीकली वीडियो में मैंने आपको पुट कॉल रेशो के बारे में बताया था कि जैसे जैसे मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड रिज्यूम होता है तो पुट कॉल रेशो का जो रेंज है वो चेंज होता है। हमने ये भी कहा था कि 1.5-1.6 तक जाता है और नीचे की तरफ जो लेवल है वो 0.7 से लेके वो 0.8-0.9 तक भी आने की, 0.8 तक तो डेफिनेटली नीचे की लेवल थोड़ी शिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। अभी मैं देखता हूँ तो 1.359 है, यानी अभी भी ऊपर का हेड स्पेस जो है वो बचा है। लेकिन उसके लिए हमें टेक्निकल और ऑप्शन चेन डेटा यानी डेरिवेटिव डेटा और पुट कॉल रेशो, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हमारा व्यू बनाना चाहिए। सो यानी हमें क्या करना है कि कौन सी लेवल इम्पॉर्टेंट है, उस लेवल के यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा क्या बात कर रहा है और PCR कौन से लेवल पे आके होगा। ये तीनों चीज़ों का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारा व्यू बनाने में हमें बहुत हेल्प होती है। और इसके बारे में किरण सर ने PCR के बारे में किरण सर ने एक वीकली वीडियो भी पोस्ट किया था हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ये पूरा आपको देखना चाहिए। अभी अगर मैं देखता हूँ तो ये जो चार्ट बनता है जब हम डेटा अपडेट करते हैं तो हम अच्छे खासे ऊपर के लेवल पे आ चुके हैं। ऊपर का और थोड़ा हेड स्पेस बाकी है लेकिन लेवल और डेरिवेटिव डेटा की तरफ हमें ध्यान दे के चलना है। अभी बात करते जो इवेंट्स होने वाले अगले हफ्ते में जो इवेंट्स होने वाले उसकी बात करेंगे। दोस्तों अगले हफ्ते में क्या क्या इवेंट्स हैं, बेसिकली 3 दिन है जहाँ पे कुछ इवेंट्स की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। पहला इवेंट है 12 सितंबर को UK का, ग्रेट ब्रिटेन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लेयर होने वाला है। 13 सितंबर को UK का मंथली GDP रेट आने वाला है और उसके साथ साथ 13 सितंबर को USA का इन्फ्लेशन रेट मंथली एज वेल एज ईयरली कोर इन्फ्लेशन रेट और इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर होने वाला है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। एंड फाइनली 14 सितंबर को USA का रिटेल सेल्स डेटा डिक्लेयर होने वाला है। तो ऐसे टोटल 4 इवेंट्स हैं अगले हफ्ते में, उसमें से 2 13 सितंबर को ही है, तो ये इन इवेंट्स की तरफ थोड़ा ध्यान हमारा होना चाहिए। दोस्तों ये जो वीकली वीडियो है हमेशा हम आपको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप ढेर सारे कमेंट्स करें, उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप कमेंट में ये लिखें कि आपको ऐसा कौन सा पैरामीटर है, टेक्निकल पैरामीटर है जिसके बारे में जानकारी चाहिए। तो अगले वीकली वीडियो में मैं एक जितने सारे कमेंट्स होंगे उसमें से रैंडमली कोई तो एक पैरामीटर सिलेक्ट करूंगा और उस पैरामीटर के बारे में 1-1.5 मिनट आपके साथ बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों नॉलेज हमेशा बटोरना चाहिए, नॉलेज देने से बढ़ता है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है ये आप भी बटोरें, आप ये वीकली वीडियो जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। हम ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गाइड कर पाएं, क्योंकि हमारे कंपनी का जो टैगलाइन है दोस्तों वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू।